हेलो बच्चों, मैं नेहा सेन फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए कक्षा 12 की पुस्तक सृजन का पाठ 5 वीर रस के कवित भूषण लेकर के। बच्चों, रीतिकार के श्रृंगार प्रधान काव्यों के अतिरिक्त वीर रस के जो कवि माने जाते हैं रीतिकार के, वो भूषण जी माने जाते हैं। और ये भूषण जी वही हैं जो कि रीतिकार के प्रमुख कवि कौन, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम जी और भूषण जी, ये चार भाई थे बच्चों। ठीक बच्चों, ये चार भाई जो थे इनमें से तीन तो रीतिकार के प्रमुख कवि थे और चौथे जो इनके भाई थे उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले भूषण जी के बारे में हम उनका परिचय जान लेते हैं। क्या थे, कौन थे, कब इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म सन 1613 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1715 ईस्वी में हुई थी। रीतिकार की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धारा बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। कब हुआ था, 1613 ईस्वी में। बच्चों, रीतिकाल जो था, रीतिकाल के अंदर जो कवि होते थे वो राज दरबारों का आश्रय लेकर के, या यूं कहो कि कवि जो थे उनका जो रोजी रोटी या जीवन यापन जो उनका होता था वो राजा महाराजाओं की प्रशंसा में लिखे गए रचनाओं के द्वारा होता था। वो उनकी प्रशंसा में अपने काव्य लिखते थे और उनकी यशोकीर्ति का गुणगान करते थे अपनी रचनाओं के माध्यम से। इस माध्यम से उनके जीविकोपार्जन होता था। अपनी रोजी रोटी वो कैसे चलाते थे, उन राजाओं की महिमा का गुणगान करके वो अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उसके बदले में उन्हें उनसे कुछ अर्थोपार्जन करते थे वो, और अर्थोपार्जन करके वो अपना परिवार चलाते थे। तो ऐसे समय में भूषण कवि एक ऐसे हुए थे जिन्होंने वीर रस प्रधान कविताएं लिखी, और वीर रस महत्व मतलब विशेष रूप से उनकी कविताओं में शामिल होता था वीर रस। तो रीतिकाल के अगर प्रबल कवि माने आप वीर रस के, तो कौन थे, भूषण जी थे। ठीक है, इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था, इनका मूल नाम घनश्याम था और भूषण इनकी उपाधि थी। इन्हें छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ था। भूषण जी का मूल नाम क्या था, घनश्याम जी था, और इन भूषण इनको उपाधि दी गई थी। उपाधि यानी जैसे हमारे बहुत सारे नाम होते हैं, एक हमारा फैक्ट नेम होता है, जैसे घर पे आपको कोई कुछ बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है, लेकिन आपका एक मुख्य नाम होता है। तो इनका मुख्य नाम तो क्या था, घनश्याम था, और उनको उपाधि दी गई थी भूषण नाम की। ठीक है, और दो राजा ऐसे हुए थे, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जी, जिनके आश्रम में रह करके इन्होंने बहुत नाम कमाया था। ठीक है, कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन प्रमुख रचनाओं में शिवराज भूषण जो उन्होंने शिवाजी के संदर्भ में लिखी थी, छत्रसाल दशक जो उन्होंने जो राजा छत्रसाल थे इनके संदर्भ में लिखी थी, शिवा बावनी भी इन्होंने शिवाजी से संबंधित लिखी थी, भूषण हजारा इनका खुद का ग्रंथ था, और भूषण उल्लास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। उनके सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता की उद्गार व ओज गुण का वैशिष्ट्य है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। बच्चों देखो, इनका जो काव्य था उस काव्य के अंदर प्रमुख रूप से किस चीज की लेखना की गई, राष्ट्रीयता की भावना। इस राष्ट्रीयता की भावना का रीतिकाल में अभाव पाया गया है। एकमात्र भूषण ऐसे कवि है जिनकी कविताओं के अंदर भी राष्ट्रीयता की भावना का वर्णन किया गया है, मतलब राष्ट्र को विशेष महत्व दिया गया है, और वीरता से भरे हुए काव्य थे इनके। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार यानी वीरता का संचार किस प्रकार से करना है वो, और ओज गुण, मैंने आपको पहले भी बताया है जैसे रहीमदास जी के दोहों में प्रसाद गुण था, वैसे ही इनकी काव्य के अंदर ओज गुण है, यानी इनकी रचना को पढ़ने से, इनके काव्य को पढ़ने से आप में उत्साह का संचार होता है, वीरता का संचार होता है। ठीक है, तो ओज गुण वैशिष्ट्य यानी विशिष्टता है इनके काव्य की। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। उन्होंने शिवाजी का जो वर्णन किया अपने कवित्तों में, जो हम पढ़ेंगे इन कवित्तों के अंदर, उन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया है कि उसको पढ़ने से किसी के भी मन में उत्साह यानी वीरता का संचार हो सकता है। प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कवित्त लिए गए हैं। बच्चों यहाँ पे कवित्त दिया गया है। कवित्त क्या होता है, जो छंद होते हैं, छंद मतलब जैसे आप गद्य भाग पढ़ते हो। ठीक है, गद्य भाग के अंदर आप निबंध पढ़ते हो, एकांकी पढ़ते हो, कहानी पढ़ते हो, अनुच्छेद पढ़ते हो, उपन्यास पढ़ते हो। ठीक है, गद्य के बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, गद्य की 10 विधाएं मानी गई हैं। और पद्य जो होता है, पद्य यानी काव्य वाला पार्ट जो होता है, उस काव्य वाले पार्ट में छंद होते हैं बच्चों, और छंद बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हनुमान चालीसा के अंदर दोहा चौपाई शैली में वो लिखा गया है, तो दोहा अलग छंद होता है, चौपाई अलग छंद होती है, वो मात्रिक छंद होता है, उसके अंदर मात्राओं की गणना की जाती है।
यहाँ पर जो कवित्त छंद दिया गया है, इस कवित्त छंद के अंदर ये वार्णिक छंद होता है, इसमें वर्णों की गिनती की जाती है। मात्रिक छंद में मात्राओं के अर्थात अ से लेकर के औ तक के जो स्वर होते हैं उन स्वरों की गणना की जाती है, और इसके अंदर वर्णों की गणना की जाती है, वर्ण बिना मात्रा वाले, उसमें मात्रा चाहे कोई सी भी, उनकी कोई गणना नहीं की जाती है। और इसके अंदर वर्ण, जैसे मैंने कहा, इससे आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ोगे जैसे तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है, तो इसमें त न या तीन, उसमें दो वर्ण है त और न, तीन बेर वर, इसमें भी दो वर्ण है, तो ऐसे वर्णों की काउंटिंग होती है, वर्णों को गिना जाता है ना कि उनकी मात्राओं को। अगर मात्राओं को गिनते हैं तो वो मात्रिक छंद में काउंट होता है बच्चों, ठीक है। तो कवित्त छंद के अंदर 31 वर्ण होते हैं और 8 8 8 7 यानी कि चार चरण होते हैं। चारों चरण में पहले वाले तीन चरणों में 8 8 वर्ण होते हैं और अंतिम जो चरण होता है उसके अंदर 7 वर्ण होते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें जो यति गति होती है वो 16 15 के अंदर होती है, ठीक है। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गर्द में सूर्य तारे जैसा लगने लगता है, समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। आप जो पहला कवित्त पढ़ेंगे उस कवित्त के अंदर शिवाजी अपनी जब सेना को लेकर के, कैसी सेना, चतुरंगनी सेना को लेकर के जब युद्ध के लिए निकलते हैं तो उस युद्ध में निकलते समय सारे संसार में खलबली मच जाती है। क्यों? जब वो सेना चलती है तो आपस में टकराती हुई चलती है, उसको टकराने से जो कंपन पैदा होता है उस कंपन से सारे संसार में खलबली मच जाती है, और उनके चलने से धूल उड़ती है, उस धूल से जो सूर्य है उसका प्रकाश भी कम हो जाता है, और वो अपने प्रकाश से इतना कम हो जाता है कि वो एक छोटे तारे के समान प्रतीत होता है। समुद्र ऐसा लगता है मानो थाली है, थाली के अंदर पानी भराया, उस पानी के अंदर पारा हो, इस तरह से वो प्रतीत होता है। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला और उसके सिपाहियों का मुख पीला पड़ जाता है। दूसरा वाला जो कवित्त पढ़ेंगे उसके अंदर यह है, जब औरंगजेब, जब शिवाजी को दरबार में बुलाया जाता है, उस दरबार में जाने पर वो उनका विशेष अपना महत्व होता है, अपना स्थान होता है, उस स्थान को न मिलने पर, क्योंकि औरंगजेब जो होता है वो उनको विशिष्ट स्थान न दे करके उन 6000 मनसबदारों के बीच में बैठा देता है जो कि कम महत्व रखते हैं, और उनके जब उनको उनकी पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो अपना अपमान समझते हैं, और इस अपमान से क्रोधित होकर उनका मुख लाल हो जाता है, क्योंकि जो सम्मान के जो लायक थे वो सम्मान उन्हें नहीं मिलता, और जब वो उन्हें सम्मान नहीं मिलता है तो उनका मुख जो है वो क्रोध से लाल हो जाता है, और क्रोध से लाल हुए उनके मुख को देख करके औरंगजेब का रंग काला पड़ जाता है, और ऐसी स्थिति में वहां जो उनकी सेनाएं होती हैं, किसकी, औरंगजेब की जो सेनाएं होती है उस सेना का मुख पीला पड़ जाता है, ठीक है। फिर है शेषनाग विधाता, वह यमराज के दायित्वों को असल में तो शिवजी ही निभाते हैं। बच्चों पूरे के पूरे काव्य के अंदर अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन हुआ है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। जब हम किसी भी चीज का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं तो ऐसे वर्णन को अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया जाता है, और वहां पे अलंकार भी अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। तो शिवाजी को शेषनाग जिन्होंने अपने अपने फन के ऊपर पृथ्वी को धारण किया हुआ है, विधाता यानी कर्ता जो कि पृथ्वी का संचालन करते हैं, और यमराज जो कि दुष्टों को या सभी को अंत करने के लिए माने जाते हैं, तो इन सभी के दायित्व का निर्वाह कौन कर रहा है वास्तविकता में इस काव्य के अनुसार? शिवाजी कर रहे हैं। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा है जैसे इंद्र का जंभासुर पर, बड़वानल का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्रबाहु पर, दावाग्नि का वृक्षों पर, चीते का मृग समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर, और श्री कृष्ण का कंस पर है। अर्थात जैसे इंद्र के डर से जंभासुर, यानी इंद्र का जंभासुर किसका शत्रु था? इंद्र का, और इंद्र ने उसका वध किया था। बड़वानल यानी समुद्र की आग, बच्चों बहुत सारी अग्नि बताई यहाँ पर कवि ने, जैसे बड़वानल जो होता है समुद्र में लगने वाली आग होती है, दावानल क्या होता है जंगल में लगने वाली आग होती है, जठरानल क्या होता है पेट में लगने वाली आग होती है। अर्थात पेट में आग लगने का मतलब ये नहीं है पेट में आग लग रही है, मतलब जो एसिडिटी जो बनती है या पेट में जो एक अम्ल बनता है उस अम्ल के माध्यम से आपको जलन महसूस होती है वो जठरानल कहलाता है, जठराग्नि भी कहते हैं उसको, ठीक है। बड़वानल का सागर पर, राम का रावण पर, राम का शत्रु कौन? रावण, ठीक है। वायु का बादल, वायु का शत्रु कौन? बादल। शंकर जी का शत्रु कौन? कामदेव, क्योंकि उन्होंने उनकी साधना को भंग किया था जब सती जी का अंत हुआ था, जब सती ने अपने आप को हवन अग्नि में समाप्त कर दिया था, आत्माहुति कर दी थी उन्होंने, तब उनकी साधना को खत्म करने का यानी उनकी साधना जो थी उसको भंग करने का कार्य किसने किया था? कामदेव ने किया था, और इसीलिए कामदेव को
बिना शरीर का उन्होंने कर दिया था। कहने का मतलब उनको जब उन्होंने तीसरे नेत्र उनका खुला था तो वो भस्म हो गए थे, और इसलिए ना अनंग कहा जाता है। अनंग अर्थात बिना किसी अंग के, अन अंग यानी उनका कोई अंग नहीं है। ठीक है, परशुराम का सहस्त्र बाहु पर हमने लक्ष्मण परशुराम संवाद में पढ़ा था कि सहस्त्र बाहु को किस प्रकार परशुराम जी ने परास्त किया था। दावाग्नि पर वृक्षों पर, दावाग्नि यानी जंगल की अग्नि का किस पर आधिपत्य होता है? वृक्षों के ऊपर, नहीं छोड़ती है वृक्षों को। चीते का मृग समूह पर, जैसे चीता हिरणों के झुंड का आधिपत्य करता है यानी उनका शिकार करता है, उनका शत्रु होता है। शेर का हाथियों पर, शेर का आधिपत्य प्रभुत्व किसी होता है? हाथियों के ऊपर। प्रकाश का होता है अंधकार पर, और कृष्ण जी का कंस के ऊपर जैसे आधिपत्य है, ऐसे ही मुगलों की सेना के ऊपर किसका आधिपत्य है? शिवाजी का। इसी प्रकार शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज एवं सूर्य से कवि करता है। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का वर्चस्व यानी पृथ्वी पर जितनी भी चीजों का भोग होना चाहिए वो कौन करना, किसको करना चाहिए? शिवाजी को करना चाहिए। बच्चों ये तो था इनका परिचय, चलिए अब इनको देखते हैं। वीर रस के कवित्त, तो पहला कवित्त है साजिश चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सर जस शिवाजी संग जंग जीता न चलत है। यहाँ पर शिवाजी अपनी सेना को सजा करके, और सेना कैसी है? चतुरंगनी सेना। बच्चों अगर आपने ऋतु वर्णन पढ़ा हो, किसका? सेनापति का ऋतु वर्णन अगर आपने पढ़ा हो, तो वहां पे भी चतुरंगनी सेना का आगमन हुआ है वसंत रूपी राजा के साथ में। तो यहाँ पर भी जब शिवाजी अपनी चतुरंगनी सेना को लेकर के, चतुरंगनी सेना में कौन कौन आते हैं? हाथी वाली सेना यानी जो हाथी पर बैठ करके युद्ध करने जाते हैं वो, रथ सेना, पैदल सेना और घुड़सवार सेना। ये चार प्रकार की सेना को सम्मिलित रूप से चतुरंगिणी सेना कहा जाता है। और जब शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ में साज सज धज करके जब युद्ध के लिए जाते हैं, प्रस्थान करते हैं, तो उनकी शोभा बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत शोभायमान होते हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत है। और जब उनकी सेना चलती है तो उनकी सेना के चलने से जो नगाड़े हैं, मतलब जब युद्ध के लिए जाते हैं कोई, तो युद्ध में जाते समय नगाड़ों से पहले उनको सतर्क किया जाता है, और सतर्क करने के लिए नगाड़ों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में वहां पर नगाड़ों की ध्वनि हो रही है जो कि बहुत शोभायमान लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। नदी नद मद गैबरन के रलत है। और जब वो चलते हैं तो हाथी सेना जब चलती है तो हाथी सेना के चलने से मतलब चारों ओर कैसे होते हैं? नदी नाले बन गए। मतलब जब हाथी सेना चल रही है वहां पर बहुत शोर करते हुए चल रहे हैं, और उनके चलने से हाथियों के पसीना निकल रहा है, और उस पसीने से किसका रूप ले लिया? उन पसीनों ने नदी और नालों का रूप धारण कर लिया, उनके पसीनों से नदी और नाले बहने लग गए हैं। बच्चों सुनाई दे रहा है आपको किस प्रकार का वर्णन है? अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे। एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजन के ठैल पैल सैल उसलत है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि उनके चलने से, किनके चलने से? जब राजा की सेना चल रही है, शिवाजी की सेना जब चल रही है, तो उनके चलने से उनमें टकराहट हो रही है आपस में। जब इतने सारे जने चलेंगे, भीड़ होगी, तो भीड़ में आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, तो उनके टकराने से खलबली उठ रही है पूरे संसार के अंदर, संसार में कंपन उत्पन्न हो रहा है, और गली गली में, गैल गैल यानी कि गली गली में उस कंपन को महसूस किया जा सकता है। उनकी चलने से जो आहट हो रही है, जो धरती में कंप हो रहा है, उसको आराम से महसूस किया जा सकता है। गजन के ठहल पहल सैल उछलत है, और हाथियों के चलने से जो कंपन हो रहा है उससे पहाड़ पर्वत उखड़ गए। ठीक है, तारा से तारा ने धूरी धारा में लगत जिमी, जो सूर्य है वो सूर्य भी उनके चलने से धूल जो उड़ रही है, मतलब वहां की जो सेना चल रही है, शिवाजी की सेना चलने से, वो सेना के चलने से वहां की धूल उड़ने लगी है, मिट्टी उड़ने लगी। जब इतने सारे जने एक साथ चलेंगे तो धूल मिट्टी तो उड़ेगी, और उस धूल मिट्टी के उड़ने से आसमान में जो सूर्य चमक रहा है वो सूर्य भी कहाँ छुप गया है, मतलब उसका प्रकाश जो है वो बहुत कम हो गया, और वो तारे की तरह प्रतीत हो रहा है। तो शिवाजी की सेना के चलने से धूल उड़ने पर सूर्य कैसा लग रहा है? तारे के समान प्रतीत हो रहा है, उसका प्रकाश बहुत कम हो गया है। और थारा पर पारा पारा वर यो हालत है, और जो धरती के ऊपर जो सागर है वो ऐसा लग रहा है मानो परात के अंदर या थाली के अंदर किसी ने पानी भर के उसमें पारा डाल दिया हो।
यानी पारा जो होता है वो बहुत चमकने वाली धातु होती है, और ऐसा लग रहा है मानो समुद्र जो है वो कैसा लग रहा है, थाली में सिमटे हुए सागर की तरह लग रहा है, और सागर के अंदर पारा चमक रहा हो ऐसा वहां प्रतीत हो रहा है। तो पूरा का पूरा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है यहाँ पे कवि ने शिवाजी की सेना से संबंधित, अर्थात शिवाजी की जो चतुरंगिनी सेना है उस सेना का उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया इस कवित्व के अंदर। नेक्स्ट देखिए, सबन के ऊपर ही ठाडो रही बेको जोग ताहे खरो कियो छे हजारे निक के नियरे। अब जब शिवाजी को औरंगजेब दरबार में अपने बुलाता है तो अपने दरबार में बुला करके उन्हें अपमानित करता है, कैसे, उन्हें विशेष सम्मान न दे करके उन्हें 6,000 मनसबदार यानी 6,000 मजदूरी, उस समय जो मनसबदार मिलते थे वो 6,000 मजदूरी के ऊपर मिलते थे, तो उन्हें उनकी श्रेणी में उन्हें खड़ा कर दिया जाता है। इससे वो उनके बहुत ज्यादा अपमानित होते हैं, वो अपने आप में महसूस करते हैं कि यहाँ पे मेरा अपमान हो रहा है। ठीक है, सबन के ऊपर ही ठाडो रही बेको जो जिनका जो जिनकी क्षमता थी सबसे ऊपर वाला स्थान प्राप्त करने की, अर्थात जिन्हें विशिष्ट आसन प्राप्त करने की जिन्हें योग्यता थी, ताहे खरो कियो छे हजारे निके नियेरे, उन्हें 6,000 मनसबदारी पाने वाले श्रमिकों के बीच में खड़ा किया जाता है, ऐसे लोगों के बीच में खड़ा किया जाता है जिन्हें 6,000 मनसबदारी मिलती थी। जाने कह रहे मिसरे गुसरे गुस्साधारी मन कीनो न सलाम न बचन न बोले सियरे। और ऐसी स्थिति में जो शिवाजी हैं वो मन ही मन बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें महसूस होता है कि ये मेरा अपमान हो रहा है, तो वो ना तो किसी को सलाम करते हैं, अर्थात ना तो किसी से बोलते हैं, मतलब ना तो किसी को सम्मान सूचक शब्द कहते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं। भूषण भनत महावीर बल कन राग्य सारी पात साही के उड़ाए गए जीरे। भूषण वर्णन करते हैं कि जब जो शिवाजी थे उनका ऐसा विकराल रूप देखा तो वहां की जितनी भी बादशाह थी अर्थात वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सब के हृदय में हलचल मच गई, अर्थात खलबली मच गई कि आप शिवाजी गुस्सा होगा या पता नहीं क्या होगा। तमकते लाल मुख सिवा को निरखी भय स्याहा मुख नौरंग सिपाहा मुख पियरे। और ऐसी स्थिति में ऐसी परिस्थिति में जो अपमानित होकर के शिवाजी का जो मुख है वो क्रोध से लाल हो जाता है, और शिवाजी के क्रोध से लाल हुए मुख को देख करके है स्याहा मुख नौरंग, स्याहा मुख यानी काले रंग का मुख हो जाता है, नौरंग यानी औरंगजेब का। शिवाजी के गुस्से से लाल हुए चेहरे को देख करके जो औरंगजेब था उसका मुख कैसा पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। सिपाहा मुख पियरे और सिपाहियों का मुख पीला पड़ जाता है, कैसे पड़ जाता है, सिपाहियों का मुख औरंगजेब का काला मुंह देख करके सिपाहियों का मुख पीला पड़ जाता है। अब तीसरा कवित्व जो है वो तीसरे कवित्व के अंदर कवि ने यानी किसने, कवि भूषण जी ने एकमात्र जीवन जो सफल बताया वो किसका बताया है, शिवाजी का बताया। क्यों? क्योंकि जो भी कार्य करने के होते हैं वो सारे कार्य करने के कौन कर रहा है, शिवाजी कर रहा है। देखो कैसे, तेरे ही भुजाने पर भूतल को भार, यानी तुम्हारी ही भुजाओं के ऊपर इस पृथ्वी का भार है, यानी इस पृथ्वी का भार किस पे टिका हुआ है, आपकी भुजाओं पर, शिवाजी के लिए कह रहा है। कही बेको शेषनाग दिन नाग हिमाचल है, कि कहने को तो शेषनाग ने अपने अपने फन के ऊपर पृथ्वी को धारण कर रखा है, दिन नाग हिमाचल है, और उसके टिकाने के लिए कौन है, हिमाचल जैसा पर्वत है, हिमालय जैसा पर्वत है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कि तुम्हारा अवतार इस संसार के पालन पोषण के लिए ही हुआ है, किसका, शिवाजी का। कछु कर तारे को ना नतामधि अमल है, कि करने को तो जो करता यानी जो ईश्वर है वो तो केवल नाम के लिए है, करने का कार्य जो है अर्थात इस संसार का पालन पोषण तो किसके द्वारा हो रहा है, शिवाजी के द्वारा हो रहा है, भगवान के द्वारा नहीं, करता यानी भगवान के द्वारा नहीं हो रहा। साहित्य ने सरजा समर्थ शिव राज कवि भूषण कहत जीव तेरो ही सफल है, कि ये जितने भी कार्य हैं इन सभी कार्यों को करने के लिए समर्थ है, कौन है समर्थ, शिवाजी है। और भूषण यहाँ कह रहे हैं कि जीवो अगर इस संसार में किसी का जीना सफल है तो हे शिवाजी आपका ही जीना सफल है, क्योंकि आपके ही माध्यम से इस धरती का संचालन हो रहा है। तेरो करे बाल करे मिलेच्छन को काल, यानी कि आपकी भुजाओं के बल से आपके शौर्य के बल से यानी आपके शौर्य के माध्यम से ही मिलेच्छ यानी मुगलों का नाश हो रहा है, अर्थात मुगलों का काल कौन है, आप है, शिवाजी के लिए यहाँ पे वर्णन हो रहा है। बिन काज होते काल बदनाम धरातल है, कि काल जो है यमराज जो है वो तो बिना ही कारण के बदनाम हो रहा है, क्योंकि मुगलों की सेना का अंत करने वाले उनको यमराज के समान कौन है, शिवाजी स्वयं है। तीन कवित्व हो गए हमारे, चौथा कवित्व है इंद्र जिम जंभ पर बाणव जो अंब पर। अब यहाँ पर शिवाजी के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कैसे किया है, कि इंद्र का शत्रु, इंद्र जैसे
जंब यानी जंबासुर नामक शत्रु था उस पर, बाणव जो अंब पर, बाणव यानी कि वायु, वायु जैसे बादलों पर, या पानी कह लो, जैसे पानी या वायु बादलों के ऊपर जब आ जाते हैं तो उसका अंश मूल नष्ट हो जाता है। रावण सदंब पर रघुकुल राजे, रावण के अहंकार के ऊपर, सदंब यानी अहंकार, रावण के अहंकार के ऊपर किसका शासन है? भगवान राम का। उन्होंने अपने शौर्य से भगवान जो रावण था उसका अहंकार का नष्ट को नाश किया था, उनके पूरे कुल का नाश किया था। ठीक है, पौन वारी वहां पर समुरति नहा पर, जैसे पवन किसके ऊपर? अग्नि के ऊपर। और शंभु रति नहा पर, शंभु यानी भगवान शिव, रति के पति कौन? कामदेव के ऊपर। बच्चों इनके रति के पति कामदेव की भी यही एक कहानी है। देखो कैसे, जब सती माता शिवजी को उचित सम्मान न मिलने पर दक्ष के हवन कुंड में अपने आप की अपनी आहुति दे देती है, उस समय जो शिवजी हैं वो वियोग में इतने व्याकुल हो जाते हैं कि माता सती की जो देह होती है उस देह को हाथों में लेकर के चारों पूरे संसार में घूमते हैं, और पूरे संसार में उनके शोक से यानी उनके जो विरह व्यथा थी, उन विरह व्यथा से सारा जो संसार है वो व्याकुल हो उठता है। और जब वो व्याकुल हो जाते हैं तो भगवान विष्णु के पास में सारे देवता जाते हैं और शिव जी की इस परिस्थिति का वर्णन करते हैं। तो वो अपने चक्र के माध्यम से, उनके हाथों में जो उनका चक्र है उस चक्र के माध्यम से वो सती के 108 टुकड़े करते हैं, और वही 108 टुकड़े आज जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी के ऊपर शक्ति पिंड के नामों से जाने जाते हैं। तो जब सती का अंत हो गया, और सती का अंत होने के बाद में शिवजी ध्यान में मग्न हो गए थे, और जो सती थी उन्होंने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था। हिमालय के घर में जन्म लेने के बाद में नारद जी आकर के उन्हें बताते हैं कि आपके वर योग्य कौन है? शिव जी हैं। तो जब उन्हें ये बताया जाता है पार्वती जी को, तो वो तप करती हैं, और इतना कठोर तप करती हैं कि वो धीरे धीरे भोजन त्यागती हैं, फिर जल त्यागती हैं, फिर हवा वायु भी त्याग देती हैं, पत्ते खा करके वो अपना जीवन यापन करती हैं। मतलब उन्होंने इतनी कठोर तपस्या करी थी कि उनकी तपस्या के आगे शिव जी को झुकना पड़ा था, और वो झुकने से मतलब शिव जी उनकी तपस्या पर प्रसन्न होने से पहले उनका ध्यान को टूटना आवश्यक था। तो उनके ध्यान को तोड़ने के लिए, उनकी जो अवस्था थी ध्यान मग्न जो थे उसको भंग करने के लिए इंद्र ने ये वो काम किसे सौंपा? कामदेव को सौंपा। और कामदेव को जब ये काम सौंपा गया तो उन्होंने उनकी तपस्या भंग करी। तपस्या भंग होते ही जब शिव जी का तीसरा नेत्र खुला, तो वो तीसरे नेत्र खुलते ही उसकी अग्नि से वो भस्म हो गए थे, खत्म हो गए थे। और कामदेव के भस्म होने पर यानी उनका शरीर जो है वो राख हो जाता है, वो अनंग हो जाते हैं। तब शिव जी उन्हें वरदान देते हैं कि आप बिना शरीर के ही संसार में अपने जो कार्य है वो कर सकेंगे, इसलिए उन्हें अनंग कहा जाता है। किसे? कामदेव को। और वही कामदेव द्वापर युग में जो प्रद्युम्न हुए थे, प्रद्युम्न के रूप में वो कृष्ण के जो पुत्र थे उनके रूप में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो उन्हें शरीर कब प्राप्त हुआ था? जब वो प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया उन्होंने कि शंभु रति नहा पर, जैसे शंभु यानी शिव जी रति के पति कामदेव के ऊपर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है, जैसे सहस्र बाहु नामक राजा के ऊपर परशुराम जी का वर्चस्व है। परशुराम जी ने सहस्र बाहु के ऊपर विजय प्राप्त की थी, उसकी हजारों भुजाओं को काट करके उन्होंने यश प्राप्त किया था। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, जैसे जंगल की अग्नि यानी जंगल की जो आग होती है उसमें एक भी वृक्ष नहीं बचता है बच्चों, वो फैल जाती है तो बड़े बड़े जंगलों का भी सर्वनाश कर देती है। तो जैसे जंगल की अग्नि वृक्षों के झुंड के ऊपर, चीता मृग के झुंड के ऊपर, हिरणों के झुंड के ऊपर चीते का वर्चस्व होता है। भूषण वितुंड पर जैसे मृग राजे, भूषण यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जैसे हाथियों के झुंड के ऊपर जंगल का राजा शेर राजा होता है, जंगल का राजा शेरों का वर्चस्व है। तेजतम अंश पर कान्हा जी भी कंस पर, जैसे प्रकाश अंधकार के ऊपर और कान्हा यानी कृष्ण कंस जी के ऊपर अपना वर्चस्व रखते हैं, अपना शौर्य रखते हैं, अपनी वीरता का प्रदर्शन करके उनको अहंकार का नाश किया है, ऐसे ही मल्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, ऐसे ही मुगलों के वंश के ऊपर शिवराज कौन? शिवाजी शेर है, अर्थात उनके भय के कारण उनका भी अंत हो जाता है। तो चार कवित हो गए। पांचवा कवित है गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जुहू पर सिंह सिर ताज को। जिस प्रकार गरुड़ का वर्चस्व, गरुड़ का दावा किसके ऊपर होता है? सांपों के ऊपर होता है। ठीक है, यानी सर्पों के ऊपर किसका शासन चलता है? गरुड़ का चलता है, बाज का चलता है। दावा नाग जुहू पर सिंह सिर ताज को, और नागों के झुंड के ऊपर किसका होता है? शेरों का, यानी कि शेरों का वर्चस्व होता है। दावापुर हुत को पहाड़न के कुल पर,
जैसे इंद्र का आधिपत्य, इंद्र का दावा किसके ऊपर है? पहाड़ों के ऊपर है, यानी पहाड़ों के ऊपर किसका अधिकार होता है? इंद्र का अधिकार होता है। दावा सभी पक्षी के गोल पर बाज को, पक्षियों के सभी समूह के ऊपर किसका अधिकार रहता है? बाज का अधिकार रहता है। भूषण अखंड नव खंड मही मंडल में, उसी प्रकार पृथ्वी पर उपस्थित नौ द्वीप, नौ द्वीप है ना बच्चों, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, तो नौ द्वीपों की महिमा में क्या पढ़ा हमने? जैसे सांपों के समूह के ऊपर गरुड़ का वर्चस्व होता है, हाथियों के झुंड के ऊपर शेर का वर्चस्व होता है, इंद्र का वर्चस्व किसके ऊपर है? पहाड़ों के कुल के ऊपर है, और सांप और पक्षियों के कुल के ऊपर किसका वर्चस्व है? बाज का वर्चस्व है। ऐसे ही पृथ्वी पर जितने नौ खंड है, नौ द्वीप है, उन नौ द्वीपों के ऊपर जहाँ चारों ओर प्रकाश जा रहा है, और उस प्रकाश पर किसका वर्चस्व है? यानी उन पर जो अंधेरा छाया हुआ, उन अंधेरे के ऊपर किसका वर्चस्व है? रवि किरण समाज को, सूर्य से निकलने वाली किरणों का प्रकाश चारों ओर फैलता है, उस प्रकाश से उस अंधकार का नाश होता है, तो उस अंधकार पे किसका वर्चस्व है? सूर्य की किरणों का। पूरब पचाह देश से दक्षिण ते उत्तर, तो पूरब से लेके पश्चिम तक जितने भी देश हैं, दक्षिण से लेके उत्तर तक जितने भी देश हैं, उन सभी देशों में जहां पात साहि तहां दावा शिवराज को, जहां पर भी मुगलों का आधिपत्य है, मुगलों की बादशाहत है, उन बादशाहत के ऊपर किसका दावा है? शिवराज, यानी कि शिवाजी का वर्णन है। ठीक है बच्चों, तो ये इस इन कवित्तों के अंदर, यानी शिवराज सॉरी जो भूषण की जो रचना है, कवित इन कवित्त के अंदर शिवाजी का पूरा पूरा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। ठीक है, और पहले वाले कवित्त में आपने देखा था, दूसरे वाले कवित्त में भी देखा, तीन चार पांच, पांचों के पांचों कवित्त में शिवाजी का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। और इसके अंदर तो जहां पर भी मुगलों की बादशाहत था, जहां पर भी मुगलों का साम्राज्य था, उस पूरे के पूरे साम्राज्य के ऊपर किसका दावा था, अर्थात कौन अधिकार पाना चाहता था? शिवाजी अपना अधिकार बनाना चाहते थे, उस पूरे साम्राज्य को शिवाजी अपने अंडर में, यानी अपने अपने अंतर में लेना चाहते थे। ठीक है, तो ये था हमारा पांचवा पाठ भूषण के कवित्त। अगले पाठ में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।